हरियाणा के विधानसभा चुनाव में मिशन 75 को फतह करने की कवायद में बीजेपी जुट गई है। विधानसभा चुनाव को धार देने के लिए 18 अगस्त से सीएम मनोहर लाल जन आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे। इस दौरान सीएम मनोहर लाल जनता का आशीर्वाद लेंगे और विधानसभा की 75 सीटों पर जीत के लिए पन्ना प्रमुखों का हौसला बढ़ाएंगे। जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत कालका से होगी, जिसकी तैयारियां जोरों पर हैं। विधायक लतिका शर्मा ने सरपंचों अधिकारियों के साथ बैठक की है और जन आशीर्वाद यात्रा की रूपरेखा तैयार की है। अधिकारियों की बैठक की व्यवस्था की दृष्टि से कि रोड का, बिजली का, सड़क का, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की यात्रा है उसके लिए, और साथ साथ इसके साथ ही सरपंचों की, क्योंकि सरपंचों की हर समय भूमिका बहुत ज़बरदस्त होती है। विधायक की तरह जिला परिषद चेयरमैन, मेंबर, सरपंच सभी हमारे पार्ट होते हैं, तो एक बैठक इनकी की इसके लिए अगुवाई के लिए सब में लोगों में बहुत ही जोश है। सारे सरपंच, सभी हल्कावासी, रैपुरानी के भी सब बहुत उत्साहित है उस यात्रा को लेकर के, तो व्यवस्था की दृष्टि से इसके कार्यक्रम के लिए आज मैं बैठक के लिए यहाँ पर आई थी। जन आशीर्वाद यात्रा में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी शामिल होंगे। यात्रा कई शहरों से होते हुए रोहतक में खत्म होगी। R9 TV के लिए पंचकुला से तारा सिंह की रिपोर्ट।